सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1-800-21-23-494 पर। आप सभी लोगों से मैं स्कीम के बारे में नहीं बताऊंगा, आपसे इस वक्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ जो यहाँ 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं, हम 10-10-20 साल में परिवर्तित होने ही देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही एमपी जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए यहाँ से बनेगी। टीचर की बढ़ोतरी में काम करती जा रही है और मुझे लगता है इसका नतीजा है कि आज 40% मेडल्स इंटरनेशनली, चाहे ओलंपिक्स में हो, चाहे एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ में हो, वो हरियाणा प्रदेश जीत के लाता है। और अब हमने पीछे भी देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने शूटिंग के अंदर भी अपनी जो पैंट थी वो पुरतौर पर बनाने का काम किया। एक सवाल गठबंधन का है, कल हरियाणा बीजेपी के प्रभारी उचाना में आए थे और उन्होंने कहा था कि उचाना से प्रेमलता को जिताना चाहिए। चलिए, जो किसी को जब लड़ाना चाहे इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते, तो चुनाव आएंगे जब की बातें। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है, किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं। मगर आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल भगवान की जीत में नींव का पत्थर रखने हैं चुनाव के लिए 2024 के लिए। अरे मेरे को तो खुशी है कि जिस जींद जिले को पहले बैकवर्ड क्या करते थे, अब फॉरवर्ड हो गया कि जिसने राजनीतिक मूवमेंट शुरू करनी है वो जींद देखता है, अब तो जींद छोटे उचाना देखता है। इसलिए तो खुशी की बात है कि 35 साल का छोरा उनके लीडर है।